डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देश में एक वक्त था जब महिलाओं की और जो बच्चे थी उसकी उम्र कम होती थी और कई बार पैदा होते ही बच्चा मर जाता था और कई बार ये होता था कि बच्चा जन्म लेते समय माँ की भी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन वो समय धीरे धीरे बीतता गया और अब वो मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। क्या कारण है उसके और क्या एक माँ को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे के लिए, भविष्य में होने वाले बच्चे के लिए, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके स्वास्थ्य के लिए और क्या किया जाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर दीपिका वर्मा। दीपिका जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीपिका जी। सबसे पहले हम इंडेक्स से शुरुआत करेंगे कि आप इंडेक्स में लंबे समय से प्रोफेसर के रूप में भी काम कर रही हैं, इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को? एक गायनेकोलॉजिस्ट अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जी हाँ, क्योंकि हर महिला कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास में आती है जाती है। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट का जो मैं बोलना चाहूंगी, हम सब तो यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ महिला रखें या और स्वस्थ महिला का हम ध्यान रखें और स्वस्थ महिला हमेशा रहे और स्वस्थ बच्चे को हम अच्छा जन्म। जब महिला स्वस्थ होगी तो बच्चा तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होगा। जी, हम अगर बात करते हैं कि एक बच्चा स्वस्थ पैदा हो उसके लिए एक माँ को क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे क्या स्वास्थ्य के प्रति वो ध्यान रखे ताकि जो बच्चा हो रहा है वो कोई बीमारी ना हो उसे, वो स्वस्थ जन्म ले। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि माँ की जो एक उम्र है बच्चा पैदा करने की, जी कई जगह देखा गया जैसे इंडेक्स में जो हमारे पास महिलाएं आती है जी वो जनरली 20 साल से पहले ही गर्भवती हो जाती है। अच्छा, और जो मेरी प्रैक्टिस है प्राइवेट प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं जो महिलाएं आती है वो 30 के बाद जनरली प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। कई महिला 35 तक बोलेगी कैरियर रखना है या जो भी, तो मेरा हम लोग सब यही चाहते हैं कि जो महिला की उम्र है 22 से 28 30 साल तक गर्भवती हो तो उससे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग का कि ये एक सपना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि हर महिला प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के पास जाए, अपनी जांचें करवाए, अपनी समस्याएं बताए, ताकि हम लोग सब जांचें करवा के और जो मेडिसिन दे के हम एक नींव अच्छी मजबूत रख सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, या महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की तकलीफ है, बहुत सारी समस्याएं जो हम इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, उसके अंतर्गत हम महिलाओं को और उसके पति की जांच करके हम उस कई समस्याओं का समाधान पहले ही कर सकते हैं। आपने एक बात कही और इसमें जितना डेटा भी आप दे रही हैं कि अमूमन आपके पास जो पेशेंट आती है महिलाएं वो 20 साल की होती है महिलाएं जो गर्भवती हो जाती है, जो आती है गांव से अभी भी गांव में जो है वो परंपरा है 19 और 20 साल की गर्भवती हो रही है। जी जी जी, ऐसे बच्चे जब पैदा होंगे तो किस तरह की समस्याओं से दो चार होने होंगे? कई बार जनरली 50-60% तो जनरली बच्चे अच्छे ही होते हैं जी, पर कई बच्चे जब माँ में ही मैच्योरिटी नहीं रहती है तो वो उसको समझ ही नहीं आता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को क्या करना है, तो ऑफ कोर्स खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, या कई महिलाओं को तो 5-6 महीने तक पता ही नहीं चल पाता है कि वो गर्भवती है। अच्छा, तो उनको फोलिक एसिड की दवाइयाँ, आयरन कैल्शियम की मेडिसिन होता है, हम वैक्सीनेशन करते हैं, वो सब नहीं मिल पाता जी। तो बच्चे को खून की कमी होती है या बच्चा जन्म टाइम से पहले हो जाता है, प्रीमेच्योर हो जाता है, कमजोर होता है, उसका विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। जी जी जी, एक सवाल अभी आपसे बातचीत करते मन में पैदा हुआ कि अमूमन ये सुनते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा 2 किलो का होता है, कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 3 किलो का होता है, ये अंतर का क्या कारण है? ये अंतर का कारण तो बहुत सारा है जी।
जनरली एवरेज जो बर्थ वेट हम बोलते हैं वो 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का होता है। कई महिलाएं जो फिर वही है कि अगर कोई उनको कोई तकलीफ है या उम्र कम ज्यादा है तो बच्चे का वजन कम हो जाता है, या कई महिलाओं को डायबिटीज है या और भी बहुत सारी कोई भी बीमारी है, थायराइड की बीमारी है जी। या बच्चे कोई महिलाएं का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो महिलाएं काम नहीं करती है, जंक फूड का सेवन ज्यादा करती है जी। तो उन महिलाओं के बच्चे मोटे भी हो जाते हैं जी। तो आपको लगता है कि आपके पास महिला तब आती है जब वो गर्भवती हो जाती है, क्या आपको लगता है कि गर्भवती होने की प्लानिंग से पहले उसको डॉक्टर के पास आना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए? मेरा तो यही है कि हर महिला को हर प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए जी, जी, जी। हर महिला को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड और भी जो भी तकलीफ होती है उसका निवारण अगर करें तो हम एक बहुत स्वच्छ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। बच्चा पैदा हो गया, अब उसके स्वास्थ्य के लिए एक माँ को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चे के लिए सबसे पहले माँ को तो अपना भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम मेडिसिन देते हैं, आयरन कैल्शियम देते हैं, सबसे संपूर्ण आहार माँ को लेना चाहिए जी, जी। कई बार हम लोग कई भ्रांतियां होती है, कई लोग माँ को पानी नहीं पिलाने देते हैं, कई लोग खाने पीने में बहुत सारी चीजें नहीं देते हैं, ये नहीं खाना है करके, तो हम उनको समझाते हैं, प्रॉपर हम डाइट चार्ट देते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर माँ अपना ध्यान रखेगी तो माँ का जो दूध है वो अच्छा रहेगा जी, जी, जी। और ये दूध को लेके भी भ्रांति है कि जो जब बच्चा पैदा होता है तब 3 दिन तक हमारे यहाँ पे कई समाज में माँ को दूध पिलाने नहीं देते, जबकि डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जो माँ का दूध फर्स्ट दूध आता है वो अमृत के समान होता है। तो ये कई चीजें ऐसी है, और बच्चे को टाइम टाइम से वैक्सीनेशन कराते रहें, बच्चे को ऊपरी घुट्टी देना या ऊपरी पानी पिलाना 6 माह तक जी। जैसा बच्चों का डॉक्टर जो आपको बोलता है वैसा होना चाहिए। सिर्फ माँ का दूध ही हम बोलते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध का सेवन करना है। अच्छा, जब बच्चा पहली बार पहला पैदा होता है तो ऐसा कुछ समय होता है कि इतने समय दरमियान उसको माँ का दूध पीना ही है, ऐसा कुछ समय होता है गोल्डन पीरियड? तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको माँ के छाती से लगाना चाहिए, उसका बहुत सारा फायदा है, प्लेसेंटा जल्दी निकलता है, उसे माँ को बहुत सुखद अनुभव होता है, वो अपना दर्द भूल जाती है जी, जी, जी। और उसको रक्त स्राव भी कम हो जाता है और माँ को दूध भी जल्दी आता है जी जी जी। गर्भ में बच्चा जब पल रहा होता है तो क्या बीमारियां हैं, ये कैसे पता किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है कि पता लग जाए कि बीमारियां उसके लिए? इसके लिए एंटीनेटल चेकअप होते हैं, इवन सरकार भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रख रखे हैं, सरकार भी चाहती है कि हर महिला की सब तरह की जांचें हों जी। तो हम ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, थायराइड की जांच करवाते हैं, शुगर की जांचें करवाते हैं, टाइम टाइम से हम सोनोग्राफी भी करवाते हैं, और अभी तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जी, हम डबल मार्कर है, ट्रिपल मार्कर है जी। अगर कोई पेशेंट को कुछ डाउट रहता है या कोई पहला बच्चा उसका आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है जी, या पहले बच्चे में कोई तकलीफ है तो हम लोग सोनोग्राफी और स्पेशल टेस्ट भी हम लोग करते हैं, पता लग जाता है कि बीमारियां इस तरह काफी हद तक हम पता कर सकते हैं जी। तो ये इनिशिएट कौन करता, किसको करना चाहिए, कि पेरेंट्स तो शायद अवेयर होते नहीं है, तो डॉक्टर से हमको सबसे पहले तो हमको अवेयर करना है कि आपको हर माह आपको चेकअप के लिए जाना है जी, जी। तो डॉक्टर टाइम टाइम से उसकी इन्वेस्टिगेशन जांचें करवाते रहे, जहां उसको लगेगा वहां पे वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते जी, जी। इसमें हम लोग गर्भ में बच्चे की जो आंवल रहती है, जो नाल रहती है, उसमें से भी टिश्यू लेकर हम कई अनोमलीज का, कई हम क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज का, आनुवंशिक बीमारियों का पता कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और बच्चे के आसपास से हम पानी लेकर भी हम जांच कर सकते हैं जी, जी। बच्चे के आसपास से हम बच्चे की जो नाल में रक्त होता है उससे भी हम जांच कर सकते हैं जी जी जी। तो एक सवाल अमूमन ये इस पर बातचीत होती रही है और ये कई बार विवाद की स्थिति बनती है सवाल पर, कि आजकल सिजेरियन ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऑपरेशंस के द्वारा बच्चे बहुत पैदा किए जा निकाले जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, क्या ऐसा है? नॉर्मल डिलीवरी को डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर अवॉइड नहीं करता है जी। हम डॉक्टर्स का तो यही रहता है कि जितना हम नॉर्मल कर सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरल रहता है और मदर बहुत ही जल्दी घूम फिर सकती है, अपना एक्टिव लाइफ जी सकती है जी। पर आप ये भी देखिए कि सीजरियन सेक्शन का रेट तो बढ़ा है जी। पर ये बढ़ने से जो माँ की मृत्यु होती है, माँ का मृत्यु दर जी। और शिशु का मृत्यु दर काफी कम हो गया है। अच्छा। क्योंकि हम ये पता कर लेते कि
बच्चे को बहुत सारी चीजें होती है कि भाई बच्चा बड़ा है या माँ का जो पेल्विस है वो छोटा है जी, या बच्चे को अंदर डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है जी, जी, या बच्चे का दम अंदर घुट रहा है, बच्चे ने अंदर लेटरिंग कर दी है जी, जी, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम पता कर लेते हैं और हम उसको फिर ऑपरेशन की सलाह देते हैं जी। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि ऑपरेशन इसलिए ज्यादा चरण में है क्योंकि एक माँ की माँ के स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी, बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि मदर और बेबी दोनों ही हम अच्छा स्वस्थ रह सके जी जी जी। प्रीमेच्योर बच्चा जो होता है कई बार, तो सवाल ये उठता है कि प्रीमेच्योर बच्चा होता क्यों है, क्या कारण होता है? प्रीमेच्योर बच्चे के बहुत सारे कारण हैं जी, माँ की उम्र का भी कारण है जी। फिर ये कई जो महिलाएं आती हैं जो बहुत ज्यादा वर्क करती हैं या कोई मतलब कि महिला मजदूरी कर रही है या कोई बहुत हैवी वर्क कर रही है, वो भी एक कारण है। कई बीमारियां हैं, मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या उसको कोई ऐसी बीमारी है जी। या फिर मदर की जो बच्चेदानी है उसका मुंह जो कमजोर है या कई बार अपने आप ही खुल जाता है, उसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। बहुत सारे कारण है। प्रीमेच्योर बच्चा जब होता है तो उसके भविष्य की क्या तकलीफें होती है, क्या उसके चैलेंजेस होते हैं? प्रीमेच्योर बच्चा जो होता है भविष्य में, कई प्रीमेच्योर बच्चे तो बिल्कुल स्वस्थ भी रहते हैं, कई बच्चों का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले रहता है जी, जी। और कई बच्चों को तकलीफ होती है, थोड़ा सा मेंटली भी कमजोर हो सकते हैं जी। या किसी बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, कुछ भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो बच्चे को हो सकती है। पर अगर उनका सही तरीके से हम रखरखाव करें और टाइम टाइम से हम पीडियाट्रिशियन को दिखाते रहें, वैक्सीनेशन बराबर उनको लगाते रहें, तो काफी हद तक हम उसको सही कर सकते। वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है, एक स्वस्थ बच्चे को भी कितने वैक्सीनेशन लगते हैं, क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कई महिलाएं भी देख रही हैं, तो वो जान जाएं कि भाई जब बच्चा पैदा हुआ है तो कब तक वैक्सीनेशन लगना है, कौन कौन से। वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट बनता है जो आंगनवाड़ी में भी उपलब्ध है और हर बच्चे के डॉक्टर के पास वो रहता है जो टीकाकरण करते हैं, प्रॉपर उस चार्ट के हिसाब से टीकाकरण कराया जाता है जी जी जी। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, भविष्य में क्या देखती हैं आप, एक माँ के हित में, एक बच्चे के हित में क्या रिसर्च क्या हो रहा है? मतलब एक तो जस्ट ट्यूब बेबी भी एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया है, भविष्य क्या देखती हैं आप, किस रूप में आप देखती हैं कि चमत्कारिक रूप से कुछ सामने आ सकता है? मैं तो ये बोलूंगी कि हमको महिलाओं को इतना जागरूक करना चाहिए कि वो अपनी रूटीन लाइफ को अच्छा बनाए, अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो स्वस्थ वो रहेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ ही रहेगा जी, जी। और अगर टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग बोलते हैं जी, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हम बहुत सारी जांचों के द्वारा हम पहले ही देख लेते हैं और फिर उसको हम अंदर ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या हमको पता रहता है कि ऐसा बच्चा होगा तो हम पेरेंट्स को उस हिसाब से काउंसिल कर सकते हैं। जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स रहते हैं, एमनियोसिंथेसिस रहता है, सीवीएस रहता है, तो हम कई सारी जांचें करके हम पहले पता कर सकते हैं जी। अभी सिजेरियन की जो बात होती है उसमें हम देखते हैं कि माँ के पेट पर ऑपरेशन किया जाता है, क्या इसका कोई विकल्प भविष्य में सामने आ सकता है या आ गया है? उसका तो अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है, बस ये है कि पहले हम वर्टिकल इंसिजन ज्यादा देते थे, अभी हम लोग लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ही अच्छा करते हैं। अच्छा, हम लोग मतलब एब्डोमेन के ऊपर भी हम ट्रांसफर इंसिजन ही हम लोग देते हैं। अच्छा, हम यदि अपने देश की मतलब हिंदुस्तान की और बाहर की बात करें तो लोग ये अक्सर कहते पाए जाते हैं कि बाहर जो है जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर रिसर्च बहुत ज्यादा होती है, हमारे रिसर्च कम होती है, तो क्या आपको लगता है कि रिसर्च का फर्क पड़ता है? मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग पीजीज को थीसिस करवाते हैं जी, तो अभी तो अपने इंडिया में भी बहुत सारी रिसर्च होने लगी है जी, पर बस यही है कि उनको रिसर्च करने के लिए कई बार हम लोगों को जो फैसिलिटी चाहिए रहती है या कई हम लोग जो जांचें करवाना चाहते हैं या जो हम लोग कई बार करने चाहिए तो वो कई बार हमको नहीं फैसिलिटी मिल पाती जी। ये समस्या तो आप समस्या थोड़ा सा हमको है जी जी, तो इसके लिए क्या आप डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट को ही हम लोग बोलते हैं, सरकार भी कर रही है, सरकार भी बहुत सारी जांचें फ्री करवा रही है, सब कर रहे हैं सरकार, धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में आप हैं, वहां पर एक डॉक्टर भी हैं आप, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज किस ढंग से फैसिलिटेट करता है, किस ढंग से सुविधाएं देता है महिलाओं को? इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है, एक गर्भवती महिला का अगर हम देखें तो पूरा उनका
चेकअप करना, सब डॉक्टर्स उनको देखते हैं प्रॉपर वे में, सोनोग्राफी हम करवाते हैं, ब्लड की सारी जांचें उपलब्ध है, इवन हमारा आईवीएफ सेंटर भी अभी है वहाँ पे जी। और आईसीयू भी अच्छा है, पीडियाट्रिशियन का, पीडियाट्रिक्स का भी सारा सब चीज फैसिलिटी अवेलेबल है, एनआईसीयू है, पूरा सब कुछ अवेलेबल है। एकेडमिक एक सवाल मेरे मन में यह है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आजकल अब ब्रांचेस नहीं पैदा हो, एक्सपर्टीज ज्यादा और हो रहे हैं, तो इस विधा में भी क्या कोई और एक्सपर्टीज हो रही है जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता अभी है? फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे का इन्वेस्टिगेशन और जाँच करना है, आईवीएफ एक्सपर्ट है जी। और जो है कई सर्जन ऐसे जैसे विद्यालय सर्जरी करना प्रेफर करते हैं, ऐसी नई नई सब ब्रांचे आ रही हैं। कुछ बच्चे जो इस वक्त कुछ ऐसे दर्शक भी हमारा जो 18-19 साल के हैं और अभी वो 12th कर ही रहे हैं, यदि उनमें से वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो किस क्या सुझाव देना चाहेंगे, आप कैसे तैयारी करें, कैसे आगे जाए? तो यही बोलूंगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट बन के तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कई बार, पर कई बार बहुत ज्यादा हेक्टिक जब होता है तो फिर लगता है कि यार नहीं बनना चाहिए। जी जी, पर एक एक इतने सुखद अनुभूति होती है जब आप एक बच्चा किसी को हैंडओवर करते हो या जब आप ऑपरेशन करते हो, वो पेशेंट आपके पास आता है, उसके आप समस्या का निवारण करते हो, तो अंदर से एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। तो जो अगर बनना चाहता है तो उसको बिल्कुल बनना चाहिए। एक आइडियल पेशेंट तो होता ही है, लेकिन एक आइडियल डॉक्टर भी होता है, तो आइडियल डॉक्टर के क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आइडियल डॉक्टर की क्वालिटी तो यही है कि वो अच्छा पेशेंट को समझाए जी, उसकी समस्या का निवारण करे, उसको जो समझाना है, जो काउंसिल करना है जी, वैसा उसको करना चाहिए। डॉक्टर दीपिका, आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, ना सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में, लेकिन बच्चा स्वस्थ कैसे रहे इस पर भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत सारा धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम आप बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया है, बहुत अच्छे सवालों का जवाब जो है दीपिका जी ने दिए हैं, डॉक्टर दीपिका ने दिए हैं। मुझे लगता है ये कार्यक्रम आप सबको देखना चाहिए, इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को, अपने परिचित को भेजना चाहिए ताकि वो भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। बहुत सारा धन्यवाद, आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।